एक ऐसा परिंदा जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये परिंदा हमेशा उदास सा ही क्यों रहता है, और उल्लू का वाकई करबला से क्या ताल्लुक है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए हमारी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एबीके लर्निंग स्क्वाड के मुअज्जिज़ दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, पूछ ऐ पूछने वाले, तो क्या पूछना चाहता है। हजरत इमाम जाफर सादिक की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताइए उल्लू कैसा परिंदा है, क्या इसके साथ मनहूसियत को मंसूब करना दुरुस्त है, और क्या उल्लू जादू टूने की अलामात में से एक है। या इमाम, मुझे ये भी बताइए कि उल्लू वीराने में क्यों रहता है, क्या इसकी कोई खास वजह है। इस शख्स की बात सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर इस शख्स की तरफ देख कर कहने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, इस परिंदे को जैसा तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था, और ना ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और ना ही उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी वजह से इसका मिजाज, आदात और रहन सहन सब कुछ बदल गया। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, इमाम जाफर, कैसा वाकया हुआ था इसके साथ, मुझे बराए मेहरबानी तफसील से बताइए। इस शख्स की बात सुनी तो इमाम जाफर सादिक ने उससे फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा यानी उल्लू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का सानिया रूनुमा हुआ है तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हों से अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, इमाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन ने इस परिंदे को रुकने की इजाज़त दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा, यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और इनके साथियों पर जुल्म किया। हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ इसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए नाउज़ बिल्ला इसने अपनी आंखों से देखा। यह जुल्म व सितम देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बढ़ने लगी और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तभी से यह परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा ताकि इंसानों का साया भी इस पर ना पड़ सके। हजरत इमाम जाफर सादिक की बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गमे हुसैन में आंसू बहाने लगा। नाज़रीने कराम, इस्लामी कुतब में आता है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर इंसान, हैवानात और जिन्नात सब गमजदा हुए। हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो वाहिद परिंदा है जिसको हजरत इमाम हुसैन की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेज़बान परिंदा भी इतना समझता है कि हजरत इमाम हुसैन वो थे जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलकर बड़े हुए थे और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक बेज़बान परिंदा ये बात समझता है, मगर अफसोस के काफिर दिमाग और जबान रखते हुए भी ना समझ सके। जब से हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है और दिन को वो तन्हा और वीरान जगह पर रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खाई कि वो भी अब आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा, और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत से पहले उल्लू आबादी में रहता था और जब भी कोई खाना खाता तो उल्लू भी पास आकर बैठ जाता और लोग भी इसे खाना डाल देते और पानी भी डाल देते, वो खा पी कर अपनी जगह वापस चला जाता।
हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए परिंदों से बोल कर गया कि तुम कितनी बुरी उम्मत हो, तुम कितने बदनसीब हो जो अपने ही नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर रहे हो। मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम सब मेरे लिए क्या अच्छा सोचोगे, बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूँ। वो ये बोलकर चला गया। वो सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं और दिन को रोजा रखता है, जबकि शाम को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में गम सदा रहता है। जहाँ उल्लू हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर गमगीन है, वहाँ कबूतर भी एक ऐसा ही परिंदा है जिसको हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर बे इंतहा दुख हुआ। ये परिंदा भी इन लोगों पर लानत भेजता है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नवासे को शहीद किया। हजरत इमाम जाफर सादिक का कहना है कि कबूतर को घरों में पाल लो, क्योंकि कबूतर हजरत इमाम हुसैन के कातलों को बददुआ देता है और इन पर लानत भेजता है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक दिन मैं दाऊद के घर बैठा हुआ था, वहाँ एक कबूतर देखा जो जोर जोर से कुछ बोल रहा था। मैंने पूछा, दाऊद क्या तुम जानते हो ये कबूतर क्या कह रहा है? हजरत दाऊद ने फरमाया, नहीं मैं नहीं जानता। जिस पर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ये उन पर लानत भेज रहा है जो नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन के कातिल हैं, इसलिए इस परिंदों को भी घर में पालना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उल्लू के बारे में आपको हमारे हकायक कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिर्दोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।